आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बनाना बॉल रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिए हैं 4 केला। केला आपका जितना ही पका होगा उतना ही ये रेसिपी टेस्टी बनता है। केला जब ज्यादा पक जाता है ना तो इसमें टेस्ट ज्यादा ही आता है। तो इसके लिए हमने देखिए 4 ज्यादा पका हुआ जिसमें ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है, ज्यादा पका हुआ केला लिए हैं हमने। 4 लिए हैं, आप कोई भी केला ले सकते हैं। और इसका छिलका हम निकालेंगे। एक केला थोड़ा सा यहाँ से खराब था तो मैंने काट दिया। इसमें हम डालेंगे 1 कप शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर केला आपका ज्यादा मीठा है तो कम भी डाल सकते हैं, जैसे आपको मीठा पसंद है ऐसे डालिए। और इसे अच्छा से हम रैप मतलब मैश कर लेंगे। ऐसा मैश करेंगे जिसमें ये जो शुगर है ये शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए केले को हमने अच्छा से मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट पाउडर। आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप आटा। आटा हमने 1 कप लिए है। आप चाहे तो मैदा भी इस जगह में यूज कर सकते हैं, या हाफ हाफ आटा और मैदा भी यूज कर सकते हैं, या तो मैदा के साथ सूजी भी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें हम डाले हैं 1 चुटकी भर नमक। नमक कोई भी स्वीट डिश में अगर आप डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये सारे मिला के इसको अच्छा से हम मिला लेंगे जिसमें इसका कोई नॉर्स ना रह जाए। ऐसे इसे मिलाना है जिसमें एक अच्छा सा बॉल बन जाए, मतलब इसको ज्यादा पतला नहीं करना है, ज्यादा मोटा भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कंसिस्टेंसी दिख जाएगा वीडियो में। अच्छा से हाथों से मैश करना है। स्पून से भी आप कर सकते हैं, बट स्पून से करने से बहुत अच्छे से मैश होता नहीं है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ हाथ से करना। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं, चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। इसमें क्या है, ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने बहुत ज्यादा इसको लिक्विड नहीं रखा है, इसे एक टाइट सा बनाए हैं, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है, जिसमें ये अच्छा से एक बॉल बन जाए। इसमें हम डाले हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कार्डिमम पाउडर। इसमें क्या है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमने थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देख लिए हैं ऑयल गरम हुआ क्या नहीं। ऑयल हमें बहुत ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अगर ऑयल हीट होगा तो ये जो बॉल हम डालेंगे ये बहुत जल्दी बाहर से पक जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा। और बहुत कम भी नहीं गरम होना चाहिए जिसके वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना कर ले। तो मोटा मोटी एक ऑयल को गरम करना है। अब हम इस बॉल को ऐसे करके डालेंगे। इसका नाम है बनाना बॉल, तो इसको बॉल सेम में हम डालेंगे। ये देखिए ऐसे करके ऐसे डालेंगे तो बहुत अच्छा बॉल का शेप ले लेता है। इस टाइम गैस मेरा एकदम स्लो है क्योंकि अंदर भी पकेगा, इसलिए मैंने गैस को स्लो रखे हैं। ऐसे करके लेके ऐसे अगर करेंगे ना तो बहुत अच्छा गोल बनता है। आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं इसे। ये देखिए ऐसे, बस ऐसे नॉर्मल, बहुत इजी है। ये देखिए जब पकता है अपने आप ऊपर आ जाता है, ये अपने आप ऊपर आ गया है।
इसे हम हल्का सा ऐसे हिला देंगे। बस इसको अच्छा से गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा गोल्डन कलर ले लिया है। मैं थोड़ा सा और डीप करके फ्राई करूंगी, हल्का सा और गोल्डन करूंगी। ये देखिए, और पहले जो मैंने साइज डाला था उससे काफी फूल गया है और काफी हल्का हो गया, एकदम ऑयल के ऊपर आ गया है। थोड़ा सा और मुझे फ्राई करना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इस टाइम गैस मेरा बिल्कुल स्लो है, स्लो गैस में इसको फ्राई करना है क्योंकि अंदर तक पकना चाहिए। ये जब ऊपर आ जाता है ना तब इसका मतलब ये अंदर से भी पक गया है। अब ये अच्छा से पक गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और बाकी रिमेनिंग जो बैटर है उससे भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा पूंछ नहीं इसका निकालना है, पूंछ निकालेंगे तो बॉल जैसे नहीं बनेगा, तो इसको ऐसे यहां से काट कर देना है। हल्का हल्का पूछ तो बनता है लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे तो पूछ ज्यादा बनेगा नहीं। इस तरह से हम दूसरे को भी फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं इसका सॉफ्टनेस बहुत ही सॉफ्ट है। इसको काट के भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा स्पॉन्ज की तरह है, ये देखिए जैसे केक होता है ना, केक की तरह सॉफ्ट है। ये देखिए बनाना बॉल्स मेरा बन के एकदम रेडी है। ये जो बनाना आप घर में खराब हो जाता है उस बनाना को आप बिना फेंके अगर इस तरह से अगर कोई रेसिपी आप बना लेते हैं तो बच्चे बड़े सब बहुत मन पसंद से खाएंगे। आई होप गाइज मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।